फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप तो मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी जिसका लिंक ऊपर आई बटन जो है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज मैं स्विमर के लिए जो पीनट बटर होता है ना, वो घर में कैसे तैयार करते हैं वो बताने वाला हूँ। और पीनट बटर खाना बहुत बढ़िया रहता है सेहत के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है पीनट बटर। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप बाहर से परचेज़ करके ना खाओ, पर बाहर से परचेज़ करते हो पीनट बटर, चाहे वो ओरिजिनल है चाहे जो कुछ मर्जी है, पर उसमें एक पाउडर जरूर चलता है जिसके कारण उस पीनट बटर की लाइफ बढ़ती है। ठीक है, वो जो पाउडर डालते हैं वो बहुत हानिकारक होता है हमारी हड्डियों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो पीनट बटर की रेसिपी दिखाते हो, एंड तक देखना। आई होप कि आप सेम करोगे तो आपको बहुत जल्दी पीनट बटर बनाना आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आजकल मार्केट में मूंगफली मिलती है, कच्ची मूंगफली लेके ना, पक्की मूंगफली मत लेके ना। तो चलो आपको तैयार करें पीनट बटर। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने पीनट बटर को ऐसे भून लेना है, ये देख सो मैं भून लिया है। ठीक है, और आप स्टार्ट करोगे तो ये कच्ची कच्ची होगी। इसको एक बात ध्यान रखना कि इसको सिम सेक के भूनना है, सिम सेक के मतलब कि ये लो हो, ये एकदम लो, अभी तो मैंने बंद कर दिया इसको, ये लो हो, ये फुल ना हो, एकदम सिम सेक का हो। सिम सेक के में ये भूनोगे तो बढ़िया रहेगा। उसका बेनिफिट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सिम सेक के में भूनोगे तो ये ना जो इसका सेक है पूरा अंदर तक जाएगा, जिसके कारण ये क्रिस्पी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले सबसे पहले पीनट बटर बनाने के लिए आपने क्या करना है, कच्ची मूंगफली लेनी है, पकी हुई नहीं लेनी, कच्ची मूंगफली को भूनना है, जिसके कारण इसके जो वो होते हैं प्रोटीन वाले वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जम्स होते हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं गर्म होने की वजह से। ठीक है, कच्ची का नहीं हम बना सकते, कच्ची का टेस्ट अलग रहेगा और वो थोड़ा खाने में भी अजीब रहेगा। तो इसको सबसे पहले भूनना है, भूनने के बाद जब ये पूरी ऐसी ऐसी हो गई, फ्लेवर चेक कर सकते हो आप कैसा है, मैं गर्म है अभी हाथ लगाऊँ, हाँ चेक कर सकते हो, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ये लाल लाल हुई है ना। ठीक है, ठीक है, इतनी ही भूननी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको उठाना है और इसके अंदर आना है कपड़े के अंदर। ठीक है, कपड़े के अंदर डाल के इसको हम मिसेंगे, तो वो भी स्टेप दिखाते हैं। तो चलो अब इसको सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, इसको पास कर लेता हूँ। वैसे अगर मैं उठा के इसके साथ डालूँगा ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं इसको सारी की सारी को इसके अंदर डाल लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, और हाँ जो स्विमिंग करते हैं उनके लिए तो ये माशाल्लाह है, माशाल्लाह। हाँ मैं ये बोलूँगा कि आप जो बाहर का प्रोडक्ट होता है वो मत खाओ, मतलब कि आप पीनट बटर ले लेते हो कि बाहर का ओरिजिनल है, ये है। मैं एक चीज़ बताऊँगा, जो ओरिजिनल पीनट बटर है ना, मैं ये नहीं कहता कि वो माड़ा है, पर मैं ये कहता हूँ कि उसमें एक चीज़ केमिकल डलता है जो उसकी लाइफ बढ़ाता है। वो केमिकल हमारी हड्डियों के लिए बहुत मतलब कि ख़तरनाक होता है, ख़तरनाक। जैसे कि लेज हो गए, कुरकुरे, हम काफ़ी चीज़ें प्रोडक्ट की खाते हैं, जैसे पैकेट की चीज़ें खाते हैं, उन सब में एक ही केमिकल डलता है जिसके कारण उनकी लाइफ बनती है। ठीक है, तो ये हमने इसमें डाल लिया, देखो कढ़ाई खाली पूरी इसमें डाली। अब इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे पकड़ने के बाद हमने इसके सारे छिलके उतारने हैं, छिलके पीनट बटर के उतारने बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब छिलके उतारता हूँ, कैसे, एक मिनट रुको, मैं मॉडल टच कर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स पीनट बटर मैं लेके जाऊँगा बाहर, बाहर बैठ के करूँगा, जिसके कारण मैं अपना कैमरा भी सेट कर लूँगा और ये आपको दिखा भी दूँगा कि इसमें पीनट बटर में कैसे कैसे निकलते हैं ये। ठीक है, अब मैंने इसको रख लिया यहाँ पे, सीढ़ियों में रख लिया बल्कि। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको जैसे ये पीनट बटर है, ठीक है, इसको हमने पीनट्स है, इसको हमने ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, इसको बंद कर देना, इससे क्या होता है, इससे जल्दी छिलके उतर जाते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे करता जाऊँगा। ठीक है, ये बस ऐसे ऐसे करते जाना मैंने ये चीज़, ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, ये मैं प्रोडक्ट बाहर के पता क्यों नहीं प्रेफर करता, जैसे कि आप अब सपोज़ करो हम कहते हैं प्रोटीन खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, या वो तो मुझे पहले ही नहीं पसंद। ठीक है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। ठीक है, जब हमारे पास सारा कुछ है, हम खुद तैयार करने में कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट है। एक दिन भी अगर निकाल लोगे तो आप इसको एक महीने का तैयार कर लोगे, एक दिन में मतलब कि कुछ ही घंटे निकालने, 1 से 2 घंटे निकालने आप इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये बढ़िया लगे आपको। ठीक है, ये उनके लिए है, स्विमर के लिए। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होती है, ये हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है ये पीनट बटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल देख सकते हो कि मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके छिलके उतरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी मैं इसको और करूँगा। ये देखो मतलब कि इतनी क्रिस्पी है, ये आराम से उतरे हैं। अगर ये थोड़ी सी भी कच्ची होगी तो इसके छिलक है ना, जो आसानी से नहीं उतरेगा। ठीक है, ये देखो कितनी जल्दी है, पुटक नहीं जा रही है। तो चलो मैं इसको ना फिलहाल सारा अलग कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, कपड़े में ये याद रखना है कि कपड़ा ऐसे ही हो, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कपड़ा कोई भी हो पर ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है ना, इसमें हमने इसको ऐसे ऐसे करके इसका सारा कर ले के अलग कर लेना है। ठीक है, चलो अब मैं इसको वीडियो को स्किप कर देता हूँ, जिसके कारण आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देख सकते हो कि मैंने इसको स्किप कर दिया, अब ये काफ़ी देर मैंने मली है, जिसके कारण ये काफ़ी उतर गए हैं।
ठीक है, अभी थोड़ी देर उसको और करूँगा तो सारा हो जाएगा। एक चीज़ पीनट बटर का और बता देता हूँ कि ये पीनट बटर खाने से वेट भी लॉस होता है अगर आप क्वान्टिटी सही खाते हो, ठीक है। तो स्विमिंग में ये काफ़ी कमेंट आते हैं कि पीनट बटर, मतलब कि पीनट बटर नहीं, डाइट क्या ले, स्विमिंग से पतली होती है ये सारा कुछ, मतलब कि बॉडी पतली होती है या पेट पतला होता है। तो ज़्यादातर तो रहता है कि हाँ भी हमें डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, डाइट से ही लेनी होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे इसको कर लिया, अब हम इस प्लेट में पाके इसको ऐसे ऐसे छांट लेंगे, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चले। तो फ्रेंड्स इसको आपने ऐसे कर लेना, जैसे ये आप देख सकते हो मैंने ये थोड़ा डोंगे से मैंने डाला है, आप प्लेट में भी कर सकते हो, प्लेट छोटी थी इसलिए मैंने उसमें डाला नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये सारा उड़ के बाहर आ जाता है, फिर इसको हाथ से बाहर निकाल दो। अगर ये छोटी प्लेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। इसका एक और तरीका है जिसके कारण आप मतलब कि पंखा चला के इसको ऊपर से नीचे फेंकोगे, पंखा जो मूवली है वो हैवी होने के कारण नीचे गिर जाएगी और छिलक उड़ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कनक में जैसे करते हैं, कनक को जैसे अलग करते हैं ना, सेम वैसे करना। ये आप देख सकते हो अलग हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं आती तो आप पहले क्या कहते हैं उसको, आप पहले कम क्वांटिटी में बनाना और आगे आगे जैसे एंड तक वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा पीनट बटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो कि ये देखो अपने आप बाहर निकल रहे हैं ना, ये सारे अपने आप एक बार में ही आगे आगे ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से आती है, ठीक है। आपने ये काम नहीं करना, आपने पहले थोड़ा बनाना है फिर आपने ज़्यादा बनाना है, अगर टेस्टी बना तो ज़्यादा बनाना है। बाकी इसमें नमक, शायद चीनी, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये निकाल के हमारी मूंगफली कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे मैंने निकाल रखी है, हमारी मूंगफली सिर्फ ऐसी रह जाएगी, जिसमें इसको मैं अभी भी मतलब कि अलग करूँगा इसको, जैसे ये पीछे नीचे भूरा भूरा ये भी नहीं आएगा इसका, इसको भी अलग करूँगा। अगर ये रह जाता है जिसके कारण हमें प्यास लगने लग जाती है, गले में लगने लग जाता है, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं, थोड़ा बहुत चल भी जाता है, तो सेम मूंगफली ऐसी हो जाएगी। ये देख सो रोस्टेड मूंगफली हमारी ऐसी थोड़े थोड़े निशान रहेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं मिक्सी के जग में डाल रहा हूँ, मतलब कि इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, पीनट्स, ठीक है। ये देख कर सकते हो अब मैं इसमें डालेंगे पीनट्स, पीनट्स को उठा के डालूंगा। अगर मैंने ऐसे करके डाला ये बुरा भी इसके साथ ही आएगा, तो मैं इसको फिलहाल उठा के डालूंगा जिसके कारण ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी और नीचे वाला पार्ट जो है ना वो आएगा नहीं, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हो आप, ये सारा हम ऐसे डाल लेंगे इसमें, ठीक है। आप स्टेप बाई स्टेप करते जाना, आपको पीनट बटर बढ़िया लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। ये स्विमर के लिए है, ये मैं चिंटू के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। चिंटू आप जानते होंगे मेडलिस्ट, जिसको मैं स्विमिंग कराता हूँ, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल हम सारा इसमें डाल लेंगे, ये डाल लिया हमने, ठीक है। जो क्वांटिटी कम है मैं इसकी पूरा मतलब कि डालूंगा और डाल लूँगा, वैसे इतनी क्वांटिटी भी सही रहेगी आपके लिए। अगर आप कर रहे हो तो आप आधा किलो मूंगफली के साथ कर सकते हो, क्योंकि बनने के बाद ये थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, मतलब कि मेल्ट होने के बाद आधा सा रह जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कम तो नहीं, खैर क्या बोलूँ, पर थोड़ा फ़र्क तो पड़ ही जाता है ना, ठीक है। अभी एक एक दाना मैंने इसमें डाल लिया। तो चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। अब इसको हमने पहले और मूंगफली डालूँ, स्किप करके डाल देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। पीनट बटर का मैंने जग भर लिया है, मतलब कि इतना कर देना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बाहर आने लगेगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको ढक्कन लगा लेना है और मशीन को चलाना है। मशीन को कैसे चलाना है मैं बता देता हूँ आपको, मशीन दूर हो गई है कोई बात नहीं, हम पास कर लेंगे, कैमरे में ले आएंगे, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लेते हैं तो कोई चक्कर नहीं, सेट करके दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। हाँ तो फ्रेंड्स ये जी देख सकते हो। तो अब क्या करना है, इसको इसको कंटिन्यू नहीं चलाओ, अगर आप कंटिन्यू चलाओगे, अगर आप कंटिन्यू चलाओगे तो पीनट जो वो है वो ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा अलग रहेगा। ऐसे करके चलाना, कंटिन्यू नहीं चलाना आपने इसको, ऐसे ऐसे करना है रोज, ऐसे ऐसे इसका पाउडर जो बनाना है वो ऐसे ही बनाना है, देख सकते हो पाउडर बनाना है, ठीक है ना, ऐसे बनाना है। और इतना पाउडर बना लेना कि इसमें कोई दाना ना रहे, ठीक है। और ये क्या कर सकते हो, इसको मैं फॉरवर्ड में तो नहीं निकालूंगा पर ऐसे दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हो ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा कैमरे पे फोकस कर देता हूँ मैं आपको, जब आप तेज घुमाओगे क्या होगा मैं बता देता हूँ, जब आप तेज घुमाओगे तो ये थोड़ा ना चलने के बाद पानी छोड़ने लग जाता है, मतलब कि पसीना पसीना सा आ जाता है, मशीन गर्म हो जाती है ना, मशीन भी गर्म हो जाती है, पता नहीं क्या होता। बस इसको कंटिन्यू नहीं चलाना है, जिसके कारण ये ऐसे चलाना है आपने, जग खुल गया, ठीक है ना, खोल के इसको देख लेना पाउडर बन गया या नहीं बन गया, देख सकते हो कि थोड़ा मतलब कि और कहते हैं मतलब कि लिक्विड सा बन रहा है ना। अभी इसमें हम एक स्पून चाय डाल लेंगे और फिर हम इसमें डाल लेंगे आधा स्पून चम्मच नमक का, ठीक है। आप चीनी भी डाल सकते हो अगर आपने डालनी है, स्वाद अनुसार चीनी डालनी है, गुड़ डालना है गुड़ डाल देना हम भी थोड़ा सा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा टेस्ट के लिए, बढ़िया रहेगा। तो हम गुड़ डाल लेंगे थोड़ा सा, अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ,
ठीक है ना, इसको रोस्ट कर रहा हूँ, मुझे एकदम प्रोफेशनल चाहिए, आपको पता ना मुझे प्रोफेशनल चाहिए। तो स्किप करते हैं फिलहाल, आपको मैंने दिखा दिया कि जब ये जार भरा था तो इस इतना भरा हुआ था, अब देख सकते हो कम हो गया ना, अभी ये देख सकते हो यार पूरा एकदम मेल्ट हो चुका है। ठीक है, पर मैं इसको और थोड़ा कर लूँगा और उसके बाद देखूँगा इसमें कोई दाना तो नहीं है, इसको निकाल के देख लूँगा और फिर इसमें थोड़ा सा शहद डाल के, मतलब कि इतना आसान है ना, देखो कितने 10 10 से 15 मिनट लगते हैं बनाने में। ठीक है, हाँ वो मूफली मूफली को लग जाते हैं तो 1 घंटा लगा के चलो। ठीक है ना, शाबाश, चल 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 चल, देख सकते हो मैं अब धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि अब ये बन चुका है। और अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शहद डालना है, शहद डालना है और वो नमक डालना है, उसके बाद पीनट बटर तैयार हो जाएगा। तो चलो अब तैयार करके दिखाऊंगा पूरा, तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ऐसे करता जाऊंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, स्विमर्स को जी जब जब स्विमिंग करते तब भी देना होता है, पर तब मेरे पास स्विमिंग बनाने का टाइम ज़्यादा कम, मतलब कि स्विमिंग बनाने से फुर्सत नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि उन्हें सर्दियों में बना दूँ, सर्दियों में पीनट बटर भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आपने बादाम का पेस्ट बटर बना के देखा है, बादाम का पेस्ट बना के देखा है, क्योंकि उससे क्या होगा, कितने फायदे रहेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखो मैंने जितना भरा था उससे कम हो गया, ये आधा जार रह गया। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं इसमें इसको निकाल लूँगा और इसमें दूसरा डाल लूँगा। फिलहाल इसको मैं इतना ही तैयार करूँगा, फिर जो बाकी की मूंगफली वो नेक्स्ट टाइम मैं तैयार करूँगा। तो अब हम इसको स्किप करते हैं और आप बताते हैं जो ऐड करना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बता देता हूँ कि अब देखो इसको मैंने ना इतना कर दिया कि अब देखो ये पेस्ट जैसा लग रहा है ना, ये देखो पेस्ट लग रहा है, जब तक ये पेस्ट जैसा लगने लगे समझ लो कि आपका तैयार है, मतलब कि अभी थोड़ा टाइम और पड़ा है। तो अभी मैं इसमें चाय डाल दूँगा, फिर इसको ऐसा करूँगा जिसके बाद ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर बन जाएगा इसका पीनट बटर। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसमें डालूँगा 1 स्पून, मतलब कि 1 टेबल स्पून डालूँगा। ओहो सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ कम आई होगी, इसमें मैं अब टेबल स्पून डाल दूँगा, एक टेबल स्पून कहाँ है हमारा। तो फ्रेंड्स ये टेबल स्पून थोड़ा बड़ा है, आपने मतलब कि ये टेबल स्पून ले लिया मैंने एक। ठीक है, सबसे पहले हम नमक डालेंगे, नमक इच्छा अनुसार नमक डालेंगे। ठीक है, नमक इसमें डालना है थोड़ा सा, ठीक है आप वो भी डाल सकते हो, देख सकते हो कि मैं नमक इसको और कम कर दूँ। हाँ तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ना मैंने नमक डाला, तो फ्रेंड्स नमक देख लो कितना डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डाल रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और नमक इच्छा अनुसार नमक, ये नमक, ठीक है ज़्यादा डालना, बस इतना सा नमक डालना, नमक देख लिया। अब शायद है, शायद अगर थोड़ा ज़्यादा भी डल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये शायद अपने पास जितना है हम सारा डाल देंगे। ठीक है, ये चेक कर सकते हो, ये गया 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 गया, ये आप देख सकते हो शायद, शायद में एक ज़्यादा बात ध्यान रखना कि सिंपल शायद हो, उसमें कोई फ्लेवर ना हो, क्योंकि अगर आपने फ्लेवर वाला शायद डाल दिया तो उसमें फ्लेवर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये शायद देख सकते हो, ठीक है बल्कि बहुत है, इतना शायद बहुत है। ठीक है, अब हम शायद डाल दिया बस, गर्मियों में आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो, ये देख सकते हो मैंने शायद डाल दिया। ओहो मुँह में पानी आ रहा होगा ना आपके। ठीक है, अब इसके साथ ही इसको हिला देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने इसको हिला दिया। ठीक है, इसको हिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अब कुछ नहीं, अब इसको बस उंगली से साफ़ करना है, ये उंगली से साफ़ कर दिया। इसमें देखो पीनट बटर पूरा तैयार है अपना, बस अब इसको मिक्स करना है इसके साथ, मिक्स करने के बाद ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें मीठा भी डाल सकते हो अपने अनुसार, अगर आपने मीठा खाना है तो, मतलब कि आपने मीठा टेस्टी करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही रह गया, तो अब हम इसको फिर से वो करेंगे रंड 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 रंड। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मैंने इसको इसको अच्छे से करना है, अब मिक्स करना है इसको अच्छे से। तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा गुड़ डाल दें, गुड़ डाल लेते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, पर मैं ये ओहो ये निकल गया, इसको एकदम चलाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, तो गुड़ डालेंगे अब हम इसमें। तो फ्रेंड्स आप मिठ्ठे में कुछ भी डाल सकते हो, गुड़ शक्कर ब्राउन शक्कर, मतलब कि कुछ भी, मैं शक्कर डाल रहा हूँ फिलहाल सिर्फ 1 स्पून, 1 स्पून शक्कर, इससे थोड़ा टेस्ट मतलब कि बढ़िया हो जाता है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसको नहीं डालूंगा, बस बहुत है, मतलब कि 1 स्पून शक्कर बहुत है, क्योंकि इसका शहद का भी मीठा होता है, तो इन सब का मीठा होता है, तो इसलिए हमने इतनी ही शक्कर डालनी है। ठीक है, तो लास्ट लास्ट पड़ाव में हम जाते हुए, तो ये लास्ट है बस, अब उसमें कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स कर देना अच्छे से, मिक्स करने के बाद आपका हनी तैयार है। ठीक है, एकदम शहद तैयार है, कोई चक्कर नहीं है, कोई वो नहीं है,
उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पीनट बटर। हाँ वैसे आप इसमें तेल भी डाल सकते हो, ओली ऑयल भी डाल सकते हो, और आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो, और इसमें आप क्या कहते हैं देसी घी भी डाल सकते हो। सर्दियों में देसी घी डालोगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसमें देसी घी नहीं डाल रहे, ना ओली ऑयल डाले, बिना इसके भी चलेगा जी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी हमने डालने डालना है, कसम खा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बहुत लंबी है उसके लिए सॉरी। तो ये हनी तैयार है, मैं आप हनी दिखा देता हूँ, तो कुछ कलर दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा आ जाएगा जी। पीनट बटर लगभग हमारा तैयार हो चुका है, बस इसको थोड़ा पतला करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ओली ऑयल डाल दूंगा एक स्पून, ठीक है। ओली ऑयल डाल देता हूँ एक स्पून, अभी आपके सामने डाल देता हूँ, ताकि आपको पूरी रेसिपी तैयार समझ में आ जाए, ठीक है। तो ओली ऑयल डाल रहा हूँ मैं एक स्पून। तो फ्रेंड्स जी, ओली ऑयल डाल रहा हूँ सिर्फ एक स्पून, ठीक है ना। ओली ऑयल गया, ओली ऑयल गया, ओली ऑयल गया, बस इतना सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। ज़्यादा डाल दिया दिक्कत हो जाएगी। ओली ऑयल क्या करता है मुझे नहीं पता, ओली ऑयल क्या करता है, पर रेसिपी यही है, ठीक है ना। ये थोड़ा ना इसको मेल्ट मेल्ट रखेगा, बाकी ये पीनट बटर देख सकते हो अपना तैयार है पूरा, एंड एकदम चक्के वाला तैयार है, ठीक है ना, एकदम टेस्टी टेस्टी तैयार है, ठीक है। ओ ऐसे मशीन नहीं चलेगी हमारी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको पूरा ही तैयार, मतलब कि जैसे पूरा तैयार है, इसको क्या दिखाना है, इसको ऐसे करते करते क्या दिखाना है, अब इसको तैयार करके दिखाऊंगा पूरा, स्किप कर लेते हैं बीच में थोड़ा। लगभग मेरा पीनट बटर तैयार हो गया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ, इसमें कुछ नहीं करना, अब आप मेरे घर आकर टेस्ट कर सकते हो। जी चिंटू के लिए पीनट बटर तैयार हो गया है, देखो जब मैंने भरा था जा रहा इतना भरा था, तो अब कम हो गया है, ठीक है। अभी कम और होगा क्योंकि बीच में खाली दिख रहा, तब खाली नहीं था, ठीक है। तो ये पीनट बटर है, ठीक है। तो चलो इसको एक बार बॉक्स में पाके दिखाते हैं कि रीजनल घर का रीजनल देख सकते हो पीनट बटर, इसको कहते हैं पीनट बटर पैन, जो एकदम चिट्टा चिट्टा पे आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको डालेंगे इसमें, कांच के बर्तन में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। आप प्लास्टिक में डालोगे तो बाकी आपकी मर्जी है, मैं प्रेफर नहीं करता प्लास्टिक, मैं तो ये करूँगा। आप पीनट बटर चेक कर सकते हो, खा के देखोगे एकदम सेम पीनट बटर की तरह है, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहेंगे, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, मैं इसमें इस बोल में डाल के रख दूंगा, मैंने इतना सा ही बनाया क्योंकि ये मेरा चल जाएगा हफ्ता दो हफ्ते चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर बना लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सर्दियाँ चल ही रही हैं, ठीक है ना। तो ये आप उतनी क्वान्टिटी में बनाना है जितनी, वैसे इसका ख़राब तो कुछ नहीं होना होता, ठीक है ना। पर आप देख सकते हो कि हमने इसको बना लिया और ये डाल दिया कोल में, तो ये पीनट बटर बहुत बढ़िया है। तो मनीष आएगा, मैं मनीष को टेस्ट कराऊंगा क्योंकि उसको बहुत शौक है पीनट बटर खाने का, ठीक है। वो बाहर से लेके आता है और कहता है ये ओरिजिनल है, और उसमें कलर डाला होता है, उसको दिखता नहीं अंधे को, असली पीनट बटर कहते हैं इसको जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये प्लेयर्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, आपको पता है जिम करते हैं या प्लेयर्स करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ऑसम होता है, ऑसम। इसमें प्रोटीन भी होती है, फाइबर भी होते हैं, सब कुछ होता है। अब मनीष आएगा तो उसको दिखाऊंगा मैं, वो मेरी वीडियो देखेगा खुश हो जाएगा। वो हमेशा मुझे कहता है कि खाने के ऊपर वीडियो बनाया कर, डाइट के ऊपर वीडियो बनाया कर। तो अभी मैं ये इसी के ऊपर बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा, देखता हूँ किसके ऊपर बनाऊँगा। तो ये चिंटू के लिए अभी मील तैयार हो गई है, तो ये ज़्यादा डालते हैं मुझे लगता है मैंने इसमें, बस और नहीं डालूँगा, बाकी जो पड़ा है पड़ा रहेगा। तो ये अब अगर आपने खा के देखना है तो आ जाना मेरे पास, मैं आपको टेस्ट करा दूँगा। तो ये बहुत बढ़िया बना है, तो ये देख सकते हो आप, बॉल में डाल दिया हमने, ठीक है। ये देख सकते हो इसमें कितना टाइम लगा होगा जोर मार के, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा डेढ़ घंटा, ओ ज़्यादा आया, इसको मैं थोड़ा कम कर लेते हैं ना, हमें ज़्यादा वो नहीं करना, हम थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम बस। अब ये ढक्कन अच्छे से लग जाएगा, ढक्कन लिबड़ेगा, ढक्कन नहीं लिबड़ेगा तो बढ़िया रहेगा। अब हम इसको पैक करेंगे थोड़ा सा, मनीष के लिए ले जाएंगे, ठीक है। मनीष को खिलाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वीडियो बना के फिर दूसरे चैनल पर टेक्निकल लवली मनी चैनल पर मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब ये हो गया पीनट बटर अपना बंद, मुझे लगता है अभी भी ज़्यादा ये इसमें आ नहीं रहा, दो बॉल में डालना पड़ेगा जी, इसको और निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, पीनट बटर ज़्यादा है ये, ठीक है। अब ये पीनट बटर आप लोगे तो 200-300 रुपये का आपको पड़ेगा, घर में बनाओगे तो आपको मात्र मात्र जो आपने मूंगफली ली है 70-80 रुपये की उतने का पड़ेगा। तो 200-300 रुपये में पता नहीं उन्होंने क्या क्या मिलाया, क्या क्या कितना कितना मिलाया है, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। अब जी आप अगर आके खा के देखोगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, बहुत लंबी होगी उसके लिए सॉरी। तो अब सही है ना, ऐसे ये देखो अब सही है, हाँ दो डब्बे में आएगा जी, ठीक है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, मेरा पीनट बटर तैयार हो गया। मैं डब्बी ले आया मनीष के कॉल, और मनीष ने टेस्ट कर लिया, कह रहा है कच्चा लग रहा है पीनट कच्चा लग रहा है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है ना, मुझे टेस्टी लगता, ठीक है। और ओवरऑल में मुझे नमक थोड़ा सा लगा कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, पर इसको नमक नहीं लगा, कंजरी है ये। सारी जल्दी बोल, वेट कर रहे हैं ऑडियो, प्योर
प्योर बताओ, ये कह रहा है बहुत प्योर है। और नमक तो गहरा तेज है, पर नमक ठीक है। हाँ मतलब कि सैंडविच में बढ़िया लगेगा ना, सैंडविच में अगर लगाएंगे ना तो ऐसे खाएंगे तो बढ़िया लगेगा, टेस्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अपना पास हो गए हैं और जैसे भी करें बना सकते हैं, जैसे हम खाते हैं अल्पिनो का खाते हैं, कहीं कहते हैं अल्पिनो का बेस्ट है, या फिर एज इट इज का भी आ रहा है पीनट बटर, पर बेस्ट यही है। मुझे नहीं पता था ये, पर मैं सिंपल सी मैंने बात बोलता हूँ, मेरे ख्याल से कॉस्ट भी ठीक पड़ती होगी इसकी, महंगा भी नहीं पड़ता, बहुत सस्ता, बहुत। एक स्पून वो पड़ता है 1 kg 450 से 500 के बीच, 450-500 किलो, मतलब कि 1 किलो बनाना हो तो अपन लोग नहीं है, 1 किलो कितने की, 1.5 किलो 2 किलो की लगेगी मूंगफलियाँ, 1 किलो की मूंगफली की नहीं बनेगी, ये मूंगफली होगी कुछ 60-70 रुपये 80 रुपये का पैकेट। 1 किलो मूंगफली क्या रेट थी, इतने की होगी 80 रुपये का पैकेट होगा, 1 किलो का 120 हो जाएगी, इससे ज़्यादा भून के देते हैं 80 रुपये किलो, तो ज़्यादा ज़्यादा ऊपर से थोड़ा सामान डल गया तो कितना। पर ये यार एक एक नमक डला चीज़ क्या है, ये कितने दिन चलेगा ये इस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कितने दिन चलेगा, इसको पैक करके रखेंगे हाँ, कब ख़राब हो गए, जब तक इसको हवा नहीं लगती तब तक ये ख़राब नहीं होगा भाई मेरी। पर ये ओवरऑल मेरे हिसाब से ये 3 महीने चलेगा, 3 महीने तक आप अगर फ्रिज में रखते हो तो काफ़ी टाइम चलेगा, पर इतना बनाओ मत, मैं तो यही बोलूँगा कि आप फ्रेश खाने के लिए रहो, आप एक बार बनाओ महीने तक चले फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक एक डब्बा तो कितना किलो का डब्बा कितने दिन में ख़त्म करता है, सिंपल सी बात है, 15 दिन में ये किलो का ख़त्म करता है, तो 2 किलो का बना लो 2 दिन, इतनी क्वान्टिटी में बनना है, घर में कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से अपना हाँ मतलब कि बजट में रहेगा, सही है, और हेल्दी रहेगा, हेल्दी सबसे हेल्दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको खाओ और स्विमिंग करो, बाकी आपका 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइए, साला खाई जा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताना, ये पागल, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताना, ठीक है। और रेटिंग दे दो, रेटिंग दे दो 10 में से, रेटिंग आप भी देना मुझे, क्या रेटिंग, मैं साथ में खाया नहीं है ना, 10 में से 8 क्योंकि मूंगफली कच्ची, 10 में से 8 और 2 साले 2 पॉइंट मूंगफली कच्ची काट लिए, अरे झूठ बोल रहा है ये साला, एकदम झूठ बोल रहा है, झूठ कोरा झूठ, खून तक निकाल रहा है ये, अभी आपको मिले 8 समझ रहे हो ना। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मुझे पीनट बटर बिल्कुल भी पसंद, ठीक है, मुझे मूंगफली खानी वैसे पसंद है, ऐसे बटर बना के नहीं खाना मुझे पसंद, इसको बहुत पसंद है। मेरी बात मूंगफली और इसमें क्या डिफरेंस होता है, कुछ नहीं, मूंगफली छिल के कड़कड़ की आवाज आती है, मुंह में चबाने का मजा आता है, इसमें वो नहीं आता, इसमें चाटने का, तो उसको कैसे खा सकता दूध के साथ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफी, अब बाय, सैंडविच में लगा के खाओ, बनाना शेक बना रहे हो उसमें डाल के खाओ, अलग से मूंगफली हाथ में रखो वो ऐसे खाओ, पर वो कुड़कुड़ करके मजा थोड़ी आएगा यार, इसमें कुड़कुड़ की बात तो नहीं आएगी, बस अपने टेस्ट होती है, पर ये हेल्दी बहुत होता है, जबरदस्ती खाना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं मार्केट का जितना मर्जी अच्छा हो उसको इसके लिए प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसमें ना एक प्रोडक्ट डलता है, एक पाउडर डलता है, जिसके कारण उसकी लाइफ बनती है। तूने अल्पिनो पीनट बटर ले लिया हाँ, महीने तूने खाने में खत्म किया हाँ, वो बना कितने टाइम पहले होगा, कब बना कब नहीं बना, वो जब बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, ठीक है ना, उनको वो प्रोडक्ट डालना, उनको वो पाउडर डालना ही पड़ेगा जिसमें वो हेल्थ मतलब की लाइफ बनेगी, मान लो ये तो 100% है घंटा, इसलिए नहीं मानना कुछ, वो चीज़ 80% होती है, ठीक है, पर 20% कम के लिए हम, पर मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ खरीदते हो, ठीक है, पहली बात तो आपको पता नहीं वो कैसे बनी है, क्या डला है क्या नहीं डला, जो मेंशन कर दिया वही आप मानोगे, शुगर पता नहीं कैसी है, मूंगफली पता नहीं कैसी है, ठीक है ना, इसके आपका अपने आपको हाथों से बनाओगे, आधे घंटे का काम है, टका टका है, बाकी बिजनेस करते हैं बक। तो फ्रेंड्स बाय, चलो एंड करते हैं वीडियो का, पीनट बटर मेरा तैयार है, आपने सारी रेसिपी देख ली तैयार है, तो चलो अब थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, इसमें से नहीं जो इसमें लगा यही टेस्ट करूँगा, ठीक है। वैसे बता दूँ कि मुझे पीनट बटर पसंद नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने बनाया चिंटू के लिए, मनीष को बहुत पसंद है, तो ये पीनट बटर है, टेस्टी तो बनाया, देखो मानो या ना, बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है, नहीं यकीन आता, अब मैं स्टोरी डालूंगा, मनीष को पीनट बटर खिलाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें हल्का सा नमक तेज हो गया, हल्का सा, पर ठीक है, जब हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब चलेंगे मनीष के पास, मैं उसको स्टोरी डाल पाऊंगा वो नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है, देखते हैं, अगर क्लिप बना ली तो मनीष के पास जाकर उसको रिस्पॉन्स पूछेंगे कैसा लगा, तो चलो चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आई होप कि आपको पीनट बटर बनाना आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो और बताऊंगा कि स्पोर्ट्स मैन के लिए जो स्विमर है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, पीनट बटर जिम वाले स्पोर्ट्स वाले सारे खाते लगभग इंपॉर्टेंट रहता है, इससे वेट भी लॉस होता है, ठीक है,
तो बाय फ्रेंड्स। भाई नहीं, मैं मनीष की क्लिप बनी तो मैं बीच में ऐड कर दूंगा, ठीक है, इससे पहले, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।